नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राजमहल से है, जहां माघी पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। आदिवासियों के महाकुंभ राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के अवसर पर शनिवार को राजमहल स्थित उत्तर वाहिनी गंगा नदी के सिंधी दलान स्थित सूर्य देव घाट, फेरी घाट, संगत घाट, काली घाट, राम घाट सहित विभिन्न अन्य घाटों में आदिवासी तथा गैर आदिवासी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राजमहल सांसद विजय कुमार हसदा, राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से किया। मेला में झारखंड के विभिन्न जिलों सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा सहित पड़ोसी देश नेपाल से पहुंचे आदिवासी श्रद्धालुओं का इतना अधिक जमावड़ा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस मौके पर मेले का उद्घाटन करने आए मंत्री ने क्या कहा, स्थानीय विधायक का मेले के संबंध में क्या है कहना, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट राजमहल से भूदेव जी के साथ। किसी न किसी रूप में लगातार यहाँ आने का स्वाभाविक मुझे प्राप्त होता है। इस मेले को इस रूप में लाने के लिए स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी का, स्थानीय सांसद विजय हस्ता जी का, आलमगीर आलम साहब का और हम सबके नेता हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साहेबगंज जिला के राजमहल के वासियों का, यहां के पत्रकार बंधुओं का भी और जो मंच संचालन कर रहे हैं अधिवक्ता महोदय हमारे सुधीर घोष और इसके जैसे अनेक समाज सेवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमेशा रांची जाए कहीं न जाए स्थल पर इस प्रदेश का बात रखते हैं और इसके लिए कुछ करने की बात करते हैं। मैं तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मां गंगा से यही मांगता हूं कि इस पवित्र सावन दिन कि न जाने किन किन देशों से, किन किन राज्यों से दिन बदिन भक्तों की तादाद आपके दर्शन को उमड़ती जा रही है। मां सबों की आस्था को बनाए रखेंगे। आज राजमहल के पावन पवित्र धरती जहां उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर माघी मेले में हमारी भेंट उपस्थित है। सबसे पहले मैं उन गुरुजनों को वंदन करना चाहूंगा, मैं नमन करना चाहूंगा। सपा और समुदाय के सभी हमारी गुरुजन और यहां पर बैठे हमारे मंत्रिमंडल के साथी और इसी सम्मेलन से संबंध रखने वाले कृषि और पशुपालन मंत्री लोगों को दिलों को जोड़ता है, ये हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है। वो हमें आशा जरूर है कि इस मेला के जो हमारा विरासत है, वह विरासत के साथ साथ विकास का भी जो पक्ष अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, वो विकास का भी धारा इस क्षेत्र में बहनी चाहिए। यही बात मैंने मंच के माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्रीगण आए थे, मैंने निवेदन किया और उस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहिए। विकास की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। जो गति चल रही थी वो गति और तेज होनी चाहिए, गति आगे रुकनी नहीं चाहिए, यही मन है हम लोग।